मेरे जैसा विधायक मटिहानी में 40 से 50 वर्षों में नहीं हुआ, और शायद वर्तमान परिवेश में दिखाई नहीं पड़ रहा। जब वो पागल विधायक था, उनके मैडम का नाम था, वही अपना जमीन खरीद के हॉस्पिटल बनवा दिया। वर्तमान विधायक राजकुमार जी के द्वारा भी पंचायतों में जा जाकर वहाँ पर छठ का ये भेंट दिया गया है उनके द्वारा। 10-25 वर्षों के बाद वो बच्चा बोगो के पैटर्न पर मटिहानी का बेटा बन के सेवा करने का प्रयास करेगा। 8 दिन ही मैया को याद नहीं है बोगो, सब दिन याद रहेंगे। बच्चे बच्चे बोगो भैया बोलता है, जिस बच्चे को ये पता नहीं है मैं किस जाति से आता हूँ, किस धर्म से आता हूँ, वो भी कहता है बोगो सिंह जी। कुछ काम हम ऐसा करके सिमरिया की ओर प्रस्थान करेंगे जो मेरे मरने के बाद लोग याद करेंगे। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये भीड़ जो है बोगो सिंह जी के यहाँ आई हुई है, जो कि पूर्व विधायक मटिहानी के हैं। और जब हम केसाबे गांव घुस रहे थे, बहुत लोगों के हाथों में खाली झोला था और भर भर के जा रहे थे। मुझे लगा कि कहीं पर जो है सेंटर, या फिर कह ले कि वहाँ पर बांटा जा रहा है डीलर जी के द्वारा, लेकिन पता चला कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। और छठ पर्व के अवसर पर ये हर साल जो है लोगों को दिल से प्यार से यहाँ पर जितने भी पबनैती होते हैं, जो भी माताएं बहन करती हैं, उनको ये करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से ये सहयोग करते हैं। और आज जो है इनके घर से दूर दूर से लोग आते हैं इनके घर पर, और इस तरह का प्यार जो है, खाली झोला खाली आता है लेकिन यहाँ से प्यार जो है भर कर जाता है। सर, कितने सालों से लगातार जो है आप ये प्रयास करते आए हैं, सत्ता तो में अभी है नहीं, लेकिन फिर भी जो है लगातार आप जो है प्यार लोगों के बीच में बांटते आए हैं। देखिए, मूल रूप से 86 से 97 तक मैं व्यवसाय के दुनिया में रहा, अच्छे बुरे लोगों से संगत भी हुए, बदनामी के टीके भी हमारे दामन पर लगे हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मैं इसको 97 से मूल रूप से, और जब तक सांस रहेंगे, छठ मैया का सवाल नहीं, 365 दिन 24 घंटा जो मेरे यहाँ हमसे कमज़ोर लोग आएंगे, उनको अनुभव होगा जो बोगो भैया हमसे तनिक जिंदा हैं, उनके यहाँ जाएंगे तो कुछ राहत होगी, तो मैं छाता बन के उनके धूप को हटाने का एक प्रयास करता हूँ और करता रहूँ। लगातार देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी लोगों के बीच में। छठ का दिन लोग याद करते होंगे कि आज विधायक जी के यहाँ जाएंगे, वहाँ पर जो है हम लोगों को आज ये सहायता राशि मिलेगी, सहायता मिलेगी। तो मुझे लगा कि लोग जाते, आपको बांटने की जरूरत नहीं पड़ रही, खुद लोग यहाँ पर आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए मटिहानी की जनता इस बेटा को इतना बड़ा कलाकार बनाया, इतना शालीन बनाया, इतना मेहनती बनाया, जो जब तक मटिहानी हिंदुस्तान के नक्शे पर रहेंगे, जब तक सृष्टि रहेंगे, तब तक मटिहानी के दिलों में बोगो रहेगा। गारंटेड, गारंटेड। कैसे रहेगा, मतलब आपके कार्य जो हुए हैं 15 साल में उनको लेकर? हाँ, गारंटेड। मेरे जैसा विधायक मटिहानी में 40 से 50 वर्षों में नहीं हुआ। अच्छा। और शायद वर्तमान परिवेश में दिखाई नहीं पड़ रहा है। हो सकता है कोई माँ बच्चा को जन्म दी होगी, जो बच्चा अभी जवान होने के रास्ते पर होगा, 10-25 वर्षों के बाद वो बच्चा बोगो के पैटर्न पर मटिहानी का बेटा बन के सेवा करने का प्रयास करेगा, लेकिन वर्तमान में दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए छठ दिन ही मैया को याद नहीं है बोगो, सब दिन याद रहेंगे। उसके कुछ कारण हैं। बच्चे बच्चे बोगो भैया बोलता है, जिस बच्चे को ये पता नहीं है मैं किस जाति से आता हूँ, किस धर्म से आता हूँ, वो भी कहता है बोगो सिंह जी के, हे बोगो जाए रहले हैं। अब जैसे अब हमारा गांव के सामने है ना, करोड़ों रुपया का जमीन हमने मुख्यमंत्री के माता के नाम पर दान कर दिया। आपने जी,
और हॉस्पिटल बना दिया। अब वो हॉस्पिटल जब तक सृष्टि रहेगा रहेगा, लोग पूछेगा ये परमेश्वरी देवी कौन थे। किधर हॉस्पिटल मतलब? कसाबे में जी। ये परमेश्वरी देवी कौन थे? तो इस गांव का लोग बताएगा ये वो मुख्यमंत्री थे नीतीश जी, उन्हीं के माता का नाम था। उनका यहाँ क्या रिश्ता था? तो लोग कहेगा ये वो पागल विधायक था बोगो सिंह, कसाबे जन्म था, वही अपना जमीन दान करके उनके नाम पर हॉस्पिटल बना दिया। क्या मेरा नाम मिटेगा? एक लवा गांव है, आप जानते होंगे शायद, लवा गांव जानते हैं? हाँ जानते हैं, बलापुर टू पंचायत लवा गांव। उस गांव में मैंने जमीन खरीदा और अपने मैडम के नाम पर हॉस्पिटल बनवा दिया। वहाँ ही बनवाया, जाके देख लो, बनवा दिया। तो जब तक लवा गांव, जब तक बिहार, तब तक वहाँ तो लोग पूछेगा, अब बच्चा पूछेगा चाचा बाबा ये डेजी देवी कौन है? तो लोग कहेगा ना ये वो पागल विधायक था, उनके मैडम का नाम था, वही अपना जमीन खरीद के हॉस्पिटल बनवा दिए। कुछ काम हम ऐसा करके सिमरिया की ओर प्रस्थान करेंगे जो मेरे मरने के बाद लोग याद करेंगे। आज सर इनिशिएटिव जो है, मतलब आज वर्तमान विधायक राजकुमार जी के द्वारा भी पंचायतों में जा जाकर वहाँ पर छठ का ये भेंट दिया गया है उनके तरफ से भी, बहुत खुशी की बात। मैं दिल से ऐसे महान आत्मा का सम्मान करता हूँ जो महान आत्मा समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा करने का एक प्रयास कर रहे हैं या व्रत ले रखा है। सर जाते आते जितने भी दर्शक हैं बेगूसराय के, जितने भी जनता मालिक हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आज छठ पर्व के इस पावन अवसर पर? कहना क्या है, कहने के लिए तो कहेंगे, लेकिन कितने लोग अपने जीवन में इस बात को उतारेंगे इसी पर शंका है। क्या चीज शंका? मतलब कितने लोग मेरी बातों पर उतरेंगे इस पर शंका है। और नेताजी भाषण तो दे रहे हैं लेकिन उनके कथनी और करनी में कोई मेल ही नहीं, वो जो बोलते वो होता नहीं, जो होता वो बोलते नहीं। अब देखो छठ मैया का जो पर्व है, हिंदू का सबसे महान पर्व ये छठ मैया का है। ये पर्व एक मैसेज दे रहा है, वर्तमान परिवेश में लोग उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं ना, पैसे वाले को करते हैं, और ये छठ कहता है नहीं, डूबते हुए सूर्य को जो प्रणाम करेगा, अपने से कमजोर का जो सहारा बनेगा, वही भारत की आत्मा है, वही भारत है, वही इंसान है, वही गीता है, वही वेद है, वही राम।